रिया यानी कि मोहिनी ने मिस्टर मेहरा और अन्वी से आकर कहा, मिस्टर मेहरा और अन्वी, मैं लिखित तौर पर आपकी कंपनी के साथ हुआ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रही हूँ। मुझे इस 500 करोड़ के प्रोजेक्ट में भागीदार नहीं बनना, क्योंकि जाते वक्त मोहिनी ने जो पेपर्स हर ऑफिस में कुरियर किए थे उसके हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी मुझे मिल जानी चाहिए। एक्चुअली ये सारी प्रॉपर्टी मेरी ही थी, इसलिए इस प्रॉपर्टी के बारे में डिसीजन लेने का हक भी सिर्फ मेरा है। अब जब मैं यानी कि रिया वापस आ गई हूँ, तो मैं मोहिनी के साथ हुई इस डील को कैंसिल करने का पूरा पूरा अधिकार रखती हूँ। आप मुझे मेरी प्रॉपर्टी के पेपर वापस कर दीजिए, मैं इस प्रोजेक्ट में आगे नहीं बढ़ना चाहती। अचानक मोहिनी के मुंह से ये बात सुनकर अन्वी और मिस्टर मेहरा सकते में आ गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, लेकिन फिर अन्वी ने खड़े होकर गुस्से में कहा, वाह रिया, आप तो इस तरह से मुझसे पेपर मांग रही हैं, जैसे ये पेपर ना होकर आपकी कोई ड्रेस हो जिसे जब चाहे आप किसी को दे सकती हैं और जब चाहे वापस ले सकती हैं। अगर आप लीगल तौर पर पेपर मांग रही हैं, तो आपको इतना भी पता होगा कि ये पेपर्स आपको कैसे मिलेंगे। मोहिनी ने भले ही किसी भी तरह का अग्रीमेंट हर जगह भेजा हो, पर वो अग्रीमेंट पूरी तरह से मानना हमारे और आपके हाथ में नहीं हो सकता। वो चिट्ठियाँ नकली हो सकती हैं, मोहिनी के सिग्नेचर नकली हो सकते हैं, और हो सकता है कि वो कुरियर मोहिनी ने किया ही ना हो। मोहिनी अचानक आग बबूला होने लगी, क्योंकि इस वक्त इन लोगों के आसपास कुछ और लोग भी थे, इसलिए ये सभी के सामने अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से ही बातें कर रहे थे। अन्वी, आप कैसे कह सकती हैं कि कुरियर से आए हुए वो पेपर्स नकली थे? क्योंकि 500 करोड़ की बात है, तो मैं कुछ भी कह सकती हूँ। जितना आसान आप समझ रही हैं, ये सब उतना आसान नहीं है। 500 करोड़ की बात मुंह जुबानी नहीं की जाती, इसके लिए लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। जिस तरह से मैंने मोहिनी और मिस्टर मलिक के साथ सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाकर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है, उसी तरह से आपको भी लीगल फॉर्मेलिटीज करनी होगी, तभी आप इस डील को कैंसिल करने के बारे में सोच सकती हैं। अदरवाइज अपनी चाहतों के घोड़े दौड़ाना बंद कीजिए, और आगे से आप जब भी मुझसे मिले लीगल पेपर्स के साथ मिलिएगा। गुड बाय। ये सुनकर मोहिनी कुछ देर के लिए चुप रह गई। हालांकि इस बारे में वो पहले ही सोच चुकी थी कि अब कुछ ऐसा ही होने वाला था, इसीलिए वो भी घबराई नहीं। उसने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, मिस अन्वी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं सोच रही थी कि अगर काम बिना कोर्ट कचहरी के ही हो जाता तो बेहतर रहता, बट अगर आप यही चाहती हैं तो मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मैं आज ही जाकर कोर्ट में अपील कर देती हूँ कि रिया वापस आ चुकी है, इसलिए अब मुझे लिखित तौर पर उसकी सारी प्रॉपर्टी हैंडओवर की जाए, और जो भी डिसीजन मोहिनी ने लिए थे उन सबको खारिज किया जाए। गुड बाय, अब मैं भी आपसे पेपर्स के साथ ही मिलूंगी। इतना कहते हुए मोहिनी वापस चली गई। मोहिनी ने अपने वकील से बात की और कहा, मेरे आने के सारे पेपर रेडी करवाए जाएं। अब मैं अपनी प्रॉपर्टी पर दावा करूंगी, इसके लिए जो फॉर्मेलिटीज हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाएं। किसी भी तरह से मुझे मिस्टर मेहरा से अलग होना है, मैं इस डील को कंटिन्यू नहीं रख पाऊंगी। और वकील भी अपने काम पर लग गया था, क्योंकि अब जब मोहिनी अन्वी के आमने सामने आ गई थी, तो मोहिनी के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट से दूर होना बहुत जरूरी था। मोहिनी को अच्छी तरह से पता था कि कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा था, लेकिन अन्वी और मिस्टर मेहरा तो उसे धोखा देने की ही प्लानिंग कर रहे थे। अगर मेरे मोहिनी होने का सच सामने आ गया, तब तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ मेरे हाथ से रेत की तरफ फिसल जाएगा। इसलिए जब तक मैं इस चेहरे की सच्चाई को छुपा सकती हूँ, उससे पहले मुझे सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेना होगा। और ये सोचते हुए मोहिनी फटाफट वो सारे काम करने लगी जो उसे रिया साबित करने में सपोर्ट कर रहे थे। अब अन्वी का अगला पास ऑफ फेंकना जरूरी था। वो अच्छी तरह से जानती थी कि वरुण तो बिन पेंदी के लोटे की तरह किसी भी तरफ लुढ़क सकता था। ये सोचते हुए अन्वी ने बड़े ही प्यार से वरुण को कॉल लगाकर कहा, हे वरुण, अन्वी बोल रही हूँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या आप मुझे रेस्टोरेंट में मिल सकते हैं? हमारा लंच भी हो जाएगा और हमारी अधूरी बात भी पूरी हो जाएगी। ये सुनते ही मानो वरुण तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था कि खुद मिस मेहरा उसे लंच के लिए ऑफर कर रही थी। ये तो उसके लिए जैसे मन मांगी मुराद पूरी होने के जैसा ही हो गया था, इसीलिए उसने एक सेकंड भी गवाए बिना ही तुरंत हाँ कह दिया। ओके मिस अन्वी, आप जैसा चाहें, भला आपके लिए कोई भी मना कर सकता है? बताइए कहाँ पहुँचना होगा। अन्वी ने उसे एक रेस्टोरेंट का एड्रेस दिया और टाइम से वहाँ पर पहुँच गई। जब वो रेस्टोरेंट में गई तो देखा वरुण अच्छे से तैयार होकर सूट बूट में फुल कॉन्फिडेंस के साथ चेयर पर बैठकर बेसब्री से उसके आने का इंतजार कर रहा था। अन्वी के आते ही वरुण ने अचानक खड़े होकर कहा, प्लीज सिट, मैं आपका ही वेट कर रहा था, बताइए आपने कैसे मुझे याद किया।
कुछ देर तक वरुण से चिकनी चुपड़ी बातें करने के बाद अन्वी ने अपना पासा फेंका। वरुण, मुझे लग रहा है कि ये जो लड़की रिया बनकर आई है, जरूर रिया की शक्ल में कोई धोखेबाज है जो उसी के जैसा दिखने का पूरा पूरा फायदा उठा रही है। वैसे ये जो भी है, पर रिया नहीं लग रही, क्योंकि जितना मैं अपनी दोस्त को जानती थी, मुझे उसकी किसी भी बात से रिया होने का एहसास नहीं हो रहा। तुम तो रिया के इतने करीब रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसका बिहेवियर रिया से काफी अलग है? वरुण मन ही मन में बुदबुदाया। अब तो मुझे लगने लगा है कि इस रिया के चक्कर में मैं खुद ही पागल हो जाऊंगा। अन्वी ने अचानक रिएक्ट किया। आपने कुछ कहा? अरे नहीं, बताइए ना, आप क्या कह रही थी? दूसरी बात, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लड़की ने मोहिनी के साथ कुछ गलत किया हो, उसे मार के फेंक दिया हो, या उससे जबरदस्ती वो पेपर्स लिखवा कर साइन करवा के हम तक भेजे हो, जिसे कोई शक न करे? सच बताऊं, मुझे तो तब से ही लग रहा है। फिर इन सब के बीच आखिरकार मोहिनी का भी तो पता चलना चाहिए कि वो कहाँ है, और वो तो 2 साल से तुम्हारे फियांसे है। क्या तुम्हें उसकी बिल्कुल बेफिक्र नहीं है? पर वरुण तो अब तक अन्वी को ही देखे जा रहा था, लेकिन जब इस तरह से अन्वी ने अपनी बात रखी तो वरुण ने खुद को संभालते हुए कहा, जी यस मिस अन्वी, एक्चुअली मुझे भी यही लग रहा है। जब पार्टी में पहली बार आकर उसने कहा कि वो रिया थी, मुझे तभी कुछ गड़बड़ लगा था। एक तो मोहिनी का 8 दिन के लिए मुंबई जाना, फिर वहां से वापस न लौटना, इस लड़की का अचानक आ जाना और वो चिट्ठियां भेजना, ये सारी बातें मुझे सही नहीं लग रही। अन्वी जी, सच सच बताऊं तो मैं उससे मिलने राइसिंग हाउस भी गया था, लेकिन उसे रिया से जुड़ी हर बात पता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैंने उससे कुछ ऐसी बातें की थी जो उसने साफ साफ बता दी, क्योंकि वरुण को इस वक्त याद आ गया था कि उसके मरने की सारी सच्चाई वो बयां कर चुकी है, और यही सोचते हुए वो काफी डरा हुआ था। उसने एक बार फिर अन्वी से कहा, यस, वो रिया से जुड़ी सारी बातों को जानती है, पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैं कंफ्यूज हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। अब आप बताइए कि आप क्या कहना चाहती हैं? अन्वी ने अपनी उंगलियों से टेबल पर रिदम देते हुए कहा, वरुण, मैं कब से सोच रही हूँ कि हम ऐसा क्या करें जो हमें सच का पता चल जाए, लेकिन अभी ठीक से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस अभी मैं इतना चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा रिया के साथ वक्त गुजारें, उसकी एक्टिविटीज पर गौर करें, उन सारी बातों के बारे में बात करें जो आप रिया और मोहिनी के बीच हुई थी, तो शायद कोई क्लू नजर आए, और उसके बाद ही हम अपना अगला प्लान सेट कर सकते हैं। जैसे ही आपको कुछ भी पता चलता है, प्लीज आप मुझे कॉल कीजिए, एनी टाइम मैं कॉल पर अवेलेबल रहूंगी। ठीक है अन्वी जी, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा, बस आप वेट कीजिए मेरे कॉल का, मैं जल्दी आपसे बात करता हूँ। और इसके बाद लंच करके यहाँ से दोनों अपने अपने घर चले गए। जब अन्वी अपने घर आई तो मिस्टर मेहरा उसका ही वेट कर रहे थे। शाम के 5 बज चुके थे। आते ही अन्वी ने 2 कप कॉफी के लिए बोला और सर्वेंट उसकी फेवरेट कोल्ड कॉफी बनाकर उसके सामने रखकर चला गया। अपने अपने कॉफी के मग को पकड़ते हुए उनके बीच बातें शुरू हो गई। मिस्टर मेहरा ने ध्यान से अन्वी को देखते हुए कहा, अन्वी, जब से रिया वापस आई है, मेरे दिमाग ने उथल पुथल मचा रखी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़की रिया की हमशक्ल हो, मोहिनी इससे सब करवा रही हो? क्योंकि हूबहू रिया बनकर मोहिनी कैसे आ सकती है? अन्वी भी ये सुनकर हैरान थी। उसने कोल्ड कॉफी का एक लंबा सिप लेकर अपने डैड की आंखों में देखकर कहा, बट डैड, उसने खुद मुझे सामने से चैलेंज दिया है। उस दिन पार्टी में जिस तरह का उसका बिहेवियर था, वो सिर्फ मोहिनी ही कर सकती थी, लेकिन फिर भी मोहिनी इतनी चालाक है कि हम सोच भी नहीं सकते। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहिनी कोई और ही गेम खेल रही हो? कुछ भी हो सकता है, मैं भी बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। हालांकि मैंने वरुण को इस काम पर लगा दिया है, लगता है जल्द ही कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट तो हमें मिल ही जाएगा। जय ने अन्वी के सामने अपने विचार रख दिए। हाँ बेटा, जब तुम्हारी सर्जरी हुई थी तो तुम्हें ठीक होते होते महीनों लग गए थे, पर मोहिनी 8 दिन में ही सर्जरी करवा के कैसे वापस आ सकती है? और अगर मोहिनी मुंबई गई थी तो मुंबई में तो इतनी डिटेलिंग के साथ सर्जरी होना नामुमकिन है। अभी भी इंडिया में ये टेक्नोलॉजी अच्छे से डेवलप नहीं कर पाई है। तुम्हें तो पता ही है कि अमेरिका के बेस्ट हॉस्पिटल में जाकर मैंने तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाया था, उसके बाद भी कितने केयरफुल थे महीनों तक हम लोग। तुम्हें धूप से बचाना, हवा से बचाना, धूल से बचाना, तुम अपने कमरे में ही रहती थी, इतना केयरफुल होकर रहना पड़ता था, ये इम्पॉसिबल है। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है बेटा। मिस्टर मेहरा और अन्वी के बीच बातें हो रही थी कि तभी आर्यन का कॉल आ गया और आर्यन ने अन्वी को अर्जेंटली मिलने के लिए बुला लिया। अन्वी ने कुछ सोचते हुए कहा, मिस्टर मलिक, शाम के 6 बज चुके हैं, क्या हम कल मिल सकते हैं? आर्यन ने जल्दी जवाब दिया, नो मिस मेहरा, हमें आज ही मिलना होगा, बात बहुत जरूरी है।
कॉफी खत्म करके अनवी ने कार की चाबी उठाते हुए कहा, डैड मिस्टर मलिक ने अर्जेंटली मिलने के लिए बुलाया है, मैं बस अभी जाकर आती हूँ। और खुद ही कार ड्राइव करके आर्यन से मिलने पहुँच गए। वो जैसे ही रेस्टोरेंट में पहुँची ठीक उसी वक्त आर्यन भी वहाँ आ गया। दोनों एक दूसरे को देखकर हेलो हाय करते हुए एक खाली टेबल पर जाकर बैठ गए। आर्यन जैसे ही कॉफी ऑर्डर करने लगा तो अनवी ने तुरंत कहा, नो थैंक्स मिस्टर मलिक, मैं जस्ट कॉफी पीकर आई हूँ, प्लीज बताइए ना आपने इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया। आर्यन ने अनवी की आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मिस मेहरा जो हुआ वो छोटी बात नहीं है, बहुत ही बड़ा पॉइंट है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। अनवी ने परेशान होकर कहा, मिस्टर मलिक आप यूं ही पहेलियां बुझाते रहेंगे या बात क्लियर भी करेंगे, बताइए ना क्या हुआ। आर्यन ने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाकर ठोड़ी के नीचे रखते हुए कहा, एक्चुअली मैं मिस्टर इंद्रजीत को देखने उनके घर गया था। अब जब वो इतने टाइम हमारे पास फार्म हाउस में रह चुके थे तो मुझे भी उनसे एक लगाव सा हो गया था, और फिर वो रिया के पापा हैं तो मैं देखना चाहता था वो किस हालत में हैं, और ये देखकर मैं शॉक्ड हो गया कि वो तो एकदम ठीक थे। हाँ, शारीरिक तौर पर थोड़े कमजोर दिखे बट उनकी मेंटल कंडीशन नॉर्मल थी, और उन्होंने मुझसे साफ शब्दों में कहा कि वो रिया से मेरी सगाई करवाना चाहते हैं। जल्दी में मुझे कुछ सूझा नहीं बट मैंने 2 दिन का समय मांग लिया, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये सुनकर अनवी ने तुरंत रिएक्ट किया, मिस्टर मलिक आपको रिया से सगाई कर लेनी चाहिए। ये सुनकर आर्यन गुस्से में खड़ा हो गया, क्या रिया और आर्यन की सगाई हो जाएगी? क्या अनवी के सजेशन के बाद आर्यन और अनवी के बीच फिर से क्लैशेस होना शुरू हो जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए रिश्ता रिवेंज का।